जा रहा हूँ, डायरेक्ट बड़ा बाजार होके जाना पड़ता है मोकम, वहाँ से भी एक रास्ता है, हम लोग निकल चुके हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों टाइम हो रहा है 10:30, तो मैं घर में ही था दोस्तों। जो थंबनेल है वो एडिट करके मैंने वीडियो डाल दिया है। सो एक कॉल आ गया, भैया का कॉल हो ही रहा। तो भैया ने बोला है कि एक सामान है जी एस रूट से जो लेके जाना है, लेकिन कहा लेके जा रहा है कुछ बताया नहीं दोस्तों, जस्ट बोला है कि एक सामान है। सो मैंने चाबी लेके निकल गया दोस्तों पार्किंग में, जा रहा हूँ अभी डायरेक्ट पार्किंग से गाड़ी निकालूंगा और जाऊंगा डायरेक्ट जी एस रूट। सामान क्या है वो भी पता नहीं और कहाँ पे लेके जा रहे हैं वो भी पता नहीं, बस बोला है कि थोड़ा जल्दी आ जाओ, एक जगह जाना है। तो वही है दोस्तों, जाते और गाड़ी निकाल कर मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गाड़ी देखिए मैंने निकाल दिया और गाड़ी का हालत देखिए दोस्तों, पूरा दिन तो बारिश हुआ, आज तो बारिश नहीं है दोस्तों, लेकिन कब आएगा कोई पता नहीं है। देखिए तो वही है दोस्तों, सारी तरह हीट होगा, फिर मैं निकल जाऊँगा दोस्तों, निकलते हैं और रास्ते में बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं निकल गया और फिलहाल हुआ अभी लास्ट स्टॉप में ही हूँ, जा रहा हूँ अभी डायरेक्ट बीबी जी एस रूट। भैया का जो मतलब वहाँ भी बनाते हैं सामान, वुडन का सामान होता है दोस्तों भैया का जी एस रूट से, और मैं कभी कभार ढालता भी हूँ दोस्तों, वही मतलब ऑर्डर लेते हैं और फिर बना के देते हैं जैसा जिसको चाहिए वही है, जिसको जैसा वाला चाहिए वैसा वाला मिल जाता है, जैसा डिजाइन वाला चाहिए जैसा भी सामान चाहिए मिल जाता है। जाते दोस्तों अभी डायरेक्ट जी एस रूट, वैसे तो संडे है तो ट्रैफिक जम तो इतना मतलब जो अभी टाइम हो रहा है वो टाइम पे इतना ट्रैफिक जम नहीं होता है, ट्रैफिक जम जो भी होता है मतलब शाम का टाइम मतलब करीब 4 बजे 5 बजे, और 2 बजे में इतना शॉपिंग भी चल रहा है तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक जम मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं, सुबह का टाइम कोई आता नहीं आपको पता ही है दोस्तों, इसलिए काम भी नहीं मिलता सुबह का टाइम में। भैया का जो ये काम मिला है वो भैया का पहले से ऑर्डर लिया हुआ था, इसी वजह से मिला है दोस्तों। ये दोस्तों बताते डायरेक्ट दोस्तों अभी जी एस रूट, जी एस रूट से बात करते हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच गया और गाड़ी लगा दिया मैंने एग्जैक्ट भैया का जो कारखाना है उसका सामने जी एस रूट में, तो अभी ढालते हैं दोस्तों सामान और भैया को कॉल कर दिया है, भैया सामान लेके आ रहे हैं, वुडन का ही सामान है और जाना है दोस्तों मोहरम, तो ढाल के मिल जाए। Few inches later. तो दोस्तों सामान देखिए यही है, ये एक ड्रेसिंग टेबल है और यहाँ पे एक कुछ बना हुआ है घर का, यहाँ पे भी ये दोनों सेम साइज का है लेकिन डिजाइन अलग अलग है दोस्तों, ये देखिए। और सुमन दाई भी जा रहे हैं साथ में क्योंकि वहाँ पे सामान उतारना पड़ेगा, और ये है इसको मैंने ऊपर ढाल दिया। चलो दोस्तों निकलते हैं, वैसे तो सामान डालना कम्प्लीट हो चुका है, निकलना तो है मुझे यहाँ से ही क्योंकि जाना है मुझे मोहरम। चलो इस तरफ निकल रहा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं बड़ा बाजार के एरिया में, बड़ा बाजार होके जाना पड़ता है मोकम, वहां से भी एक रास्ता है लेकिन घूम फिर के बात वही है, वहां से और ज्यादा घूमने पड़ता है और संडे का दिन तो वैसे भी ट्रैफिक जम कमती होता है, इसी वजह से यहाँ से आया हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी ट्रैफिक जम है थोड़ा बहुत, क्योंकि पूजा आने वाला है तो सभी मार्केटिंग के लिए निकले हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। बस बारिश
पिछले दिन दिया है तो रास्ता का हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है, मैं कह रहा था कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुका है रास्ता। देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है गाड़ी, चलिए बस ज़्यादा दूरी पे तो है नहीं, गाड़ी खाना बस पहुँचने वाला है, गाड़ी खाना का पॉइंट क्रॉस करके सीधे लेफ्ट में घुस जाएंगे, भूल गया जहाँ पे जाना है, थोड़ा मतलब नीचे जाना पड़ेगा, वही बात है। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं, गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है और ये वाला है घर, चलो कर लेते हैं दोस्तों फटाफट सामान, एक सामान जाएगा यहाँ पे और दो जाएगा नीचे पे, सो फटाफट सामान कर लेते हैं दोस्तों करके मिलते हैं। तो दोस्तों सामान हो गया खाली और हम लोग निकल चुके हैं, मैं जाऊँगा डायरेक्ट घर दोस्तों, क्योंकि संडे पे तो मैं काम नहीं करता, तो सिर्फ दादा के लिए मैं आया हूँ, यही बात है डायरेक्ट। हाँ दोस्तों घर जाके बात करते हैं, दादा को रास्ते पे छोड़ दूंगा, मंदिर का राइनो में छोड़ दूंगा, दादा तो शॉर्टकट चले जाएंगे, दादा को तो बीबी जाना है। दोस्तों फाइनली पहुंच गया मैं घर के सामने और गाड़ी मैंने यहाँ पर रख दिया क्योंकि गाड़ी मुझे अभी धुलाना है दोस्तों, तो एक्चुअली टाइम लगा मुझे वहाँ पे क्योंकि दादा का जो मतलब और एक सामान का ऑर्डर है उन्हीं का घर से जहाँ पे मैं गया था, तो मतलब वो माप वगैरह लिए कितना क्या है, मतलब कितना साइज़ के लिए कितना माप लेना पड़ता है, टेप से माप लिए इसी वजह से थोड़ा मुझे रुकना पड़ा, और जो सामान है वो जगह पर बिठा के आया है और दो तीन काम किए इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मुझे दोस्तों, वही बात है टाइम होगा दोस्तों प्योर छुट्टी तो आज मुझे निकलना नहीं है सही से, वैसे तो लगता है कि अभी थोड़ी देर में बारिश आ जाएगा तो कहाँ ही जाऊँ, अभी तो मेरा काम है गाड़ी धुलाना, अभी ये गाड़ी धुलाऊँगा, देखिए दोस्तों पूरा गाड़ी का हालत पूरा ज़्यादा ही खराब है, देखिए दोस्तों जगह देखिए पूरा हर तरफ गाड़ी पूरा पूरा बर्बाद हो चुका है, ये देखिए तो निकलना नहीं, अच्छे से गाड़ी धुलाना है, वो बात अलग है कि बारिश आ जाएगा पीछे महिला होने के लिए गाड़ी तो धुलाना पड़ता है दोस्तों, गाड़ी साफ़ सुथरा रहने से अच्छा ही लगता है मुझे स्पेशली, तो बहुत ही अच्छा लगता है, अगर बारिश आके फिर से धुलाना पड़े फिर से धुलाऊंगा दोस्तों, लेकिन गाड़ी तो धुलाऊंगा ही, सो गाड़ी जाना तो नहीं है कहीं पे, आज का वीडियो कहीं पर खत्म करने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो देख के आपका आपको अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, आज के लिए ब्लॉग में इतना दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।